हम अपने बच्चों को पैरा मिलिट्री पुलिस और आर्मी में भेजें, इसके लिए हम अपने स्कूल में पहले डिजिटल मूल्यांकन करते हैं, उसके बाद रिटन एग्जाम कराते हैं जो कि आपका सेंसस बेस होता है, थोड़ा लेवल कम होता है कि सीरियस का पैटर्न को फॉलो करते हैं, फिर उसके बाद उसका फिजिकल लेते हैं जो सीपी एसआई का होता है, और देन हमारा 5 दिन का जो एसएसपी होता है उसी पैटर्न हम 1 दिन में इंटरव्यू कराते हैं सर। उसके बाद पूरे स्कूल में ये 6 to 8 के लिए होता है, तो इसमें हमारे स्कूल से लगभग 37 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था, और टॉप थ्री जो आए हम जाते हैं उनको स्कॉलरशिप देते हैं, कुछ कैश मनी देते हैं, तो हम चाहेंगे कि सोसाइटी मेंबर के साथ आप भी भाग लें और उनको प्रोत्साहित करें, तो सोसाइटी मेंबर पर आ जाए जो बच्चे हैं और इनको आप जो शिक्षा दे रहे देश के लिए और इनको इतनी अच्छी शिक्षा दी जाए ये इनके हाथों में देश की सुरक्षित रहे, बॉर्डर भी सुरक्षित। मैं चाहूंगा प्रिंसिपल जो है वो क्या है जो चेक है वो लेके आ जाए मच की तरफ, वहाँ पे से रखा हुआ होते थे, और माता जी मेरी नहीं दिखी, मेरी सिर्फ चंद्रा धामी जी चेहरा जो है वो जहाँ कहीं भी जल्दी आने का प्रयास करें मंच पे। और सबसे पहले तो मैं सभी बच्चों ने जिन्होंने पार्टिसिपेट किया उन सबको बधाई दूंगा कि उन्होंने मेहनत की, बहुत कोशिश की, कई बच्चों के रिजल्ट बहुत अच्छे नंबर आए थे लेकिन फिजिकली वो थोड़ा सा आउट हो गए, कहीं कहीं किसी का ग्राउंड में रह गया, किसी का आपका रेस में पीछे रह गया, लेकिन उसके बावजूद मैं चाहूँगा कि अगले साल हर साल हम स्कॉलरशिप देंगे और अगले साल से बच्चे हमारे फिर से पार्टिसिपेट करेंगे, और जो फिफ्थ वाले वो सिक्स में जाएंगे तो 6 to 8 के लिए वैसे आपको पता ही होगा एक्स्ट्रा क्लास रखते हैं, एक्स्ट्रा क्लास लगाते आते रहेंगे कि जिसमें जनरल स्टडी, करंट अफेयर्स, डीजी, इंग्लिश कन्वर्सेशन, तो कॉम्पिटिशन इंग्लिश होता है, कॉम्पिटिशन मैथ्स होता है, ये सब कराते हैं 30 मिनट्स के बाद अलग से पीरियड लेते हैं उसके लिए, और फिजिकल मेजरमेंट के लिए बॉडी में बुलाते हैं, ये लॉन्ग जंप का कोर्ट है सामने एक पता रखा है, यहाँ से लॉन्ग जंप होता है, ग्राउंड में सर्कल होते हैं, उधर बाहर है आपको दिखा दूंगा मैं आपको, उसमें चिनअप वगैरह भी है, तो मैं चाहूँगा कि बच्चे अगले साल मोटिवेट होकर आएंगे जो थोड़े बहुत रह गए, क्योंकि लास्ट फाइनल इंटरव्यू में 6 बच्चे पहुँचे थे और 6 में से 3 बच्चों को हम सिलेक्ट किए स्कॉलरशिप 3 के लिए, ऐसा नहीं कि वो बाकी जो बच्चे थे वो किसी हाल में रहेंगे, लेकिन यही होता है कंडीशन इसी कहते हैं जितनी सीट्स होती है उन्हीं को मिल पाता है, तो मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा मन में आ गई हमारी, मैं चाहूँगा कि टीचर जो इनको लें और बच्चों का उनके पेरेंट्स साथ बुलाएं और जो पेरेंट्स हैं वो बच्चों के साथ आके उनको प्रोत्साहित करें। Well, it is a matter of great honor and pleasure to appreciate and reward our students. The hard work as well as the performance of the students who have made us all proud. So, the third position goes to Ishan Sharma. This is the Ishan of class. Second prize goes to Kashish Singh. Mera Bhubarka School Anurodh, please move the stage for him. And the winner is Sumit. Sumit Paswal. Abhivavakon se anurodh, please move the stage. Sumit Paswal, please. Ye abhivavakon se anurodh hai ki main bas stage pe aaun.
अभी मैं चाहूंगा कि सभी पेरेंट्स जो है जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था, उनके बच्चों जिनको स्कॉलरशिप मिली है वो और उनके बच्चे तीनों आ जाएं और चाहूंगा थोड़ा सा अच्छे से फोटो करन ले हाँ तो अगर थोड़ा दो जल्दी से चाहिए हाँ बेटा अभिभावक और स्टूडेंट से अनुरोध